हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आज का टॉपिक आप लोग देख रहे हैं, आज का टॉपिक है कॉमन एसटीडीज एंड देयर कॉजेटिव इफेक्ट। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में और उनसे रिलेटेड कौन से एजेंट्स होते हैं। तो आप लोगों के नीट एग्जामिनेशन में और बोर्ड्स एग्जामिनेशन में ये आ सकता है। तो प्लीज आज का वीडियो आप अच्छे से देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन बजा दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना समय गंवाए हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टूडेंट्स, एक तरफ हम लिखेंगे इन्फेक्शन डिजीज, ठीक है, इन्फेक्शन या डिजीज, एंड सेम ऑन अदर साइड हम लिखेंगे कॉजेटिव एजेंट्स। क्योंकि हम लोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन भी बोलते हैं एसटीआई, और कभी कभी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी बोलते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर इन्फेक्शन या डिजीज लिख रही हूँ। और आपके एग्जामिनेशन में भी शायद ऐसे पूछा जाए तो आपको भी बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है। स्टार्ट करते हैं हम गोनोरिया से, ठीक है। तो गोनोरिया, ठीक है, गोनोरिया के कॉजेटिव एजेंट्स होते हैं नेसेरिया गोनोरिया, ठीक है। तो उसके बारे में मैं लिख दे रही हूँ, आप लोग भी मेंशन कर लीजिएगा, नेसेरिया गोनोरिया। क्लियर है, दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है, गोनोरिया का होता है नेसेरिया गोनोरिया, ठीक है। अब बात करते हैं हम सेकेंड पॉइंट के बारे में, जो है साइफिलिस। साइफिलिस में कौन से कॉजेटिव एजेंट्स होते हैं? तो इसके अंदर ट्रिपोनेमा पैलिडियम लिख लीजिए, आप लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है पैलिडियम। थर्ड हम बात करते हैं एड्स के बारे में, ठीक है। एड्स का फुल फॉर्म होता है अक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम्स, ठीक है, याद है आप लोगों को, ठीक है। अब हम बात करते हैं एड्स में कौन से कॉजेटिव एजेंट्स होते हैं। तो इसके अंदर ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस होते हैं, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। क्लियर है? नाउ नंबर फोर है जेनिटल हर्प्स। तो लिख देते हैं जेनिटल हर्प्स में कौन से कॉजेटिव एजेंट्स होते हैं? इसमें हर्पेस सिंप्लेक्स वायरस होते हैं। ये आप लोगों के नीट एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो प्लीज आप लोग इसको अच्छे से याद करके जाइएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, सिंप्लेक्स वायरस। नाउ नेक्स्ट नंबर फिफ्थ हम डिस्कस करेंगे डोनोवेनोसिस के बारे में। तो उसकी स्पेलिंग मैं पहले लिख देती हूँ, DONOVANOSIS, ठीक है, डोनोवेनोसिस में कौन से कॉजेटिव एजेंट्स होते हैं? तो इसके अंदर कैलिमोबैक्टेरियम ग्रैनुलोकोमेटिस प्रेजेंट होते हैं। तो मैं यहां लिख देती हूं, क्लियर है? तो यहां देख सकते हैं स्टूडेंट्स, डोनोवेनोसिस में कैलिमोबैक्टेरियम ग्रैनुलोकोमेटिस प्रेजेंट होते हैं, जेनेटिकल हर्ब्स में हर्ब सिंप्लेक्स वायरस प्रेजेंट होते हैं, एड्स में ह्यूमन इम्यूनोवायरस, साइफिलिस में ट्रिपोनेमा पैलेडियम, गोनोरिया में नाइसेरिया गोनोरिया प्रेजेंट होते हैं। तो आज का था ये वीडियो, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन बजा दीजिएगा। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।